पोको के जितने भी मोबाइल आते हैं उसमें जो आइकॉन मिलता है वो राउंड शेप में मिलता है, जो काफ़ी बोरिंग होता है। शुरू से यही राउंड शेप में मिल रहा है, पर अगर आप चाहें तो इसके आइकॉन को स्क्वायर शेप में भी चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी यूनिक होता है, और इसके साइज को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आइकॉन आप यहाँ पर यूज़ कर पाइएगा। सबसे पहले जो पुराना आइकॉन मिलता है वो आपको राउंड शेप में मिल जाता है, मतलब दो ही आपको थीम अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, एक राउंड एक क्लासिक में आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पे चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल का जो थीम एप्लीकेशन है इसको ओपन करें, और इसको ओपन करने के बाद ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च में जाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हाइपर ग्रीन, ये आप यहाँ पे हाइपर ग्रीन लिखे, और लिखने के बाद इसको आप यहाँ पे सर्च कर ले। सर्च करने के बाद नीचे में जाए, और नीचे में जाने के बाद ये हाइपर ग्रीन जो थीम है ये आपको मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे आपका ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने बाद इसको आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। आप क्या करें, यहाँ से बैक हो, बैक होने में माय अकाउंट में जाए, सबसे पहले थीम में जाए, और जो डिफॉल्ट थीम आपको मिला है उसको सबसे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अब जैसे ये अप्लाई कर लेते हैं, करने के बाद आप यहाँ से बैक हो, देन उसके बाद आइकॉन वाले ऑप्शन में जाना है, और ये जो आपका हाइपर ग्रीन है इस पर क्लिक करना है, और इसके आइकॉन को आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पर अगर आपका आइकॉन अगर स्मॉल साइज में आ रहा है, इसको अगर साइज को बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर से आपको थीम में जाना है, और थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आइकॉन वाले ऑप्शन में जाए, और ऊपर में आइकॉन साइज का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे आइकॉन साइज है उसको भी दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइकॉन साइज भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।